तेरा मन देगी भाई मिलवा ला, फिर ना कहने का जेंगड़े तेरा हर बेर का यू सिस्टम हो रहा। वादिन तो आके स्कूल में मिलवा के लाया मैं। तो वादिन मैंने तो मैं जलेबी खवाई, आज समोसे खवा रहा हूँ। हाँ जलेबी तो खवाई, चलो समोसा भी ठीक है, पर जेंगड़े मो नू तो बता, हर बेर जब भी जा तू ही वहाँ देखने जा, वहाँ ने देखो तू कभी अब तक? देखेगी, आज ना देखेगी कल देखेगी, देखेगी जरूर। दोनों जेंगड़े तो कद देखेगी यार। अमल भाई मिलवा ला। अरे तो मिलवा लाऊंगा यार, खा तो लंदा अब। एक तो तू इतने सस्ते समोसे लावे, चटनी भी कम लाओ। चल ठीक है। कोई सऊदी का शेख आ रहा है जिसकी खिदमत में दाल चावल बिस्कुट लाने जरूरी है। तमीज सीख ले जरा बहुत, जब तुम वहाँ जाता जब तक तुझे नमकीन भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए और मीठा और मंगावे, वो ना लाके देते तुझको। खालिद से तुलना कर रही है तू उस बुरी शिकल वाले जाहिल की? खालिद ने सारी जिंदगी सम्मान कमाया, कौन पूछता उसको? कोई नहीं। खालिद आज भी जहाँ खड़ा हो जाता है ना, 20 कदम दूर से निकलते हैं लोग बाग। मुँह ना लगना चाहता तेरे को इसलिए 20 कदम दूर से निकलते। ऐसा क्यों रहा यहाँ पे मनहूस? मुझे बुखार हुआ इसलिए मुझे देखने आ रहे हैं। कहाँ हकीम है, कहाँ से डॉक्टरी करी इसने जो तुझे देखना रहा? क्यों किसी के सुख दुख में आया ना जाता? अब तू ऐसा मुझसे तो दिमाग मारे मत, मुझ पर फालतू पैसे ना किसी पर उड़ाने के लिए। ऐसे जाहिल तो रोज घूमते, खाली टाइम नहीं निकालता है नौकरियों। अब आ मत जाइयो, तू घर के तरफ झाग मत जाइयो। तो इस घर को तू अपने घर से लाई जो ना आऊंगा, मेरा घर है, रोज आऊंगा सुबह शाम आऊंगा। उनका बतला रही है ज्यादा। 10 रुपए के दाल से होके मारे इतने झाग बखेर रहा, पता ना बद दिमाग में कब अकल आएगी। अरे जेंगड़े यार कितनी देर लगेगी, इतनी देर से खड़ा कर रखा हूँ, जल्दी आ जा नहीं मैं भाग जाऊंगा। रुक जा भाई, रुक जा ए भाई ना, 2 मिनट और रुक जा मन भाई। अरे ना भाग रहा यार, पर जल्दी उतरिया, या कोई घर को आगे ना का आगे पापा तो तो, तो सुधार देगा, मोब सुधार देगा। अरे आ जान दे आगे तो पापा पागल है। ए जेंगड़े वैसे तो ये लड़की के चक्कर में लग क्यों रहा है? अरे एक बार मेरा यासु बिहाव जान दे, या के बाप पे बहुत पैसा, या के बाप पे तो मैं जहर देकर मार दूंगा, फिर सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ए जेंगड़े यार एक बार ये लड़के मो भी देख लंदे। अरे मन आज तू मो देख लंदे, तू फिर काय दिन देख लियो। लकड़ी, शीशम की लकड़ी, कत्था की लकड़ी, लकड़ी। अंकल जी पाम छुई छुआ। बचना है तो भाग जाओ। भाग रहा हूँ जी। अमन तुम उतार ले, कल को जाके स्कूल में चलेंगे। कितना गम है मेरा, गम
कितना कम है दुनिया का गम देखाता, मैं अपना गम भूल गया। ए जी मैं यू कह रही इल्लता न धोय के तंसी चाय बना दी ना। ऐसा घनी होशियार मत ना बने, अपना आप जाके बना ले। उंगली पकड़ के पहुंचे पकड़न लगी। ए देखिए तो मैं पता तो सारी मो बुखार हो रहा, मोसु डॉक्टर ने आराम करने कही है। ये डॉक्टरी तो ले रहे हमारे घर के नौ से 10 दिन हो गए, तेरा आराम ही ना खत्म होके दे रही हूँ। थाली की मार रही है, थाली की शर्म लिहाज तो है ही ना, अपने पति परमेश्वर पर बुढ़ापे में काम करवा रही है। चाचा कहाँ गिर गए पता ना, इन्हें देखे क्या ढूंढ रहे हो चाचा, क्या खूगा? अरे कहा बस पूछे मत ना, 10 रुपया गिर गए सारे में ढूंढ लिए पान हो रहे। चाचा ये वाला नाटक उसके संग करियो जिसपे ये बीता ना हो। अभी 3 दिन पहले ही मैं भी कपड़े धुल ला, आदमी आगा, मैं भी आदमी को देख के ये कह लगा मैं भैया पैसे खूगे मेरे, पैसे ढूंढ रहा हूँ कपड़ों में। अरे खालिद ये मजबूरी करवावे जो भी कुछ करवावे, अब पर चल के बैठेंगे चल, अन्य बुढ़िया जो है ना बेर-बेर कुछ ना कुछ नया काम बताती रहेगी। हाँ भाई अब सुना कहा बात, हमारे तो सुबह सुबह आफत आ रही है, कभी गोबर गेरो, कभी चाय बनाओ, कभी भाषण मौजो, अब लत्तान पे लगा दिए, चैन नहीं है एक मिनट को भी कतई। चाचा ये सारे मसले तो जिंदगी के साथ चलते हैं, तुम्हारे संग थोड़ी अलहदा हो रहा, हमारे संग भी होता रहता। तुम एक काम करो चाचा, लो मैं तुम्हारे लिए मास्क लाया हूँ, मास्क लगाओ जरा। अरे अपने मास्क अपने धोरे धरे रख, हमें जरूरत ना। तुम्हारी मर्जी है चाचा, देखो मेरा फर्ज था तुम्हें इंतला करना, मैंने कर दिया, तुम्हें ना लगाना मत लगाओ। का इंतला करना चाह रहा हूँ? मास्क दे जल्दी मास्क। अब ना मास्क, अब तो रहने दो तुम। यार खालिद तू तो बड़ी जहरीली गैस छोड़े, काय दिन निकलता बढ़ता जो है ना हमारे खेत पे कोई हो, मुंजी में जो है ना कीड़ा लग रहा है, या गैस है होच के छोड़ देगा तो सारा कीड़ा जो दम छोड़ देगा। चाचा सबसे बड़ा कीड़ा तो आज हमारे घर पे आ रहा। तो ऐसा कह रहा हो जैसे तेरा साडू आ रहा हो। मैं बिल्कुल सही फरमाया चाचा, वही मनुष्य आ रहा घर पे, इसीलिए तो मैं घर से बाहर ही कर लिया आया, जो सहजादे की शिकल न देखनी पड़ा मुझे। नाम धरवाया सहजादा और शिकल देख ली ना तुमने, ईमान से ये कहोगे इसको डिलीट क्यों ना करवाते हो इस बुरी शिकल को? क्यों आ रहा चाचा? रुखसाना को 3 दिन पहले वायरल बुखार बन गया, अल्लाह की फजल सब एकदम सही है रुखसाना। अब जाहिल का दिमाग देखो तुम, जब तो आया ना जब उसे बुखार हो रहा, अब 3 दिन बाद आ रहा हकीम उसे देखने के लिए। यार बुखार तो हमारी लुड्ढो भी हो रहा, जी जानो आ जावे हच के। चाचा इंतलाई मत करियो, पता ही मत लगने दो, आके फिर क्यों झाकेगा जब पता ही ना लगेगा उसे। अजी हमार कहा मतलब, हमारी बोल चाल ना भैया, हम ऐसे वास्ता ही ना रखते, जा दिन से चूहड़पुर में मुआवजा मिला ना, मुआवजे के पैसा की हवा बढ़ रही है, अब तो खुद के लेंटर पड़ रहा, जा दिन हमारे आवे है ना गाटरन ने गिने, अब तो उन दिन ने भूल के जब खुद के भी कड़ी पड़ रही। 1978 की बात है, 2 कड़ी मांग के ले गो हमारे सु, आज तक भी लौटा ही ना, वैसे बनाए रही। चाचा सारा मसला समय का, अगर इंसान का समय अच्छा चल रहा तो इंसान सबको भूल जाता, दोस्तों को रिश्तेदारों को सके संबंधियों को, फिर ना देखता उनों की तरफ झांक के भी, और जैसे ही बुरा वक्त आता भटूरे से आंखें खुल जाती हैं, फिर मुंह फाड़ के सबको पुकारता आ जाओ मुझे बचाओ। चाचा हमारा जो साड़ू आ रहा आज, 4 साल पहले पान की दुकान लगाता था, अब चूना लगाते लगाते इसने परचूने का काम डाल लिया, अब ना जब भी आता ना तो मुझसे पता क्या कहता आके,
भाई जाना पान का काम कर लो, पान के काम में बहुत पैसा। अब चाचे झाइल से कोई ये पूछे अगर पान के काम में इतना पैसा मिल जाया तो क्यों आया भैया तू परचूने की लाइन में, पान ही बेचता ना तू। धोरे लगावे काहे कुए बोल चाल बंद राख भारी तरह। महारो तो भैया खाली एक ही से धनते जो रिश्तेदारी में हम सुन निभाले हल्को कौम काज है वाको वहासु तो राखे हम बनाए के और जा पे चार पैसा हमसु फालतू है हम नए बोल चाल रखते भैया वासु हम तो वाते छिड़ेर। चाचा रुखसाना की फुप्पो से इन्हीं बातों पे तो बिगाड़ खाता चल रहा मेरा। रुखसाना के फुप्पो का बड़ा लौंडा बन गया डॉक्टर और डॉक्टर भी छोटा मोटा ना MBBS डॉक्टर बना। अब चाचा मुझे भी खुश हुई अपना साला, मैंने महल्ले में सबसे कहा अपना साला। चाचा महल्ले में कुछ लोग जो बहुत बीमार चल रहे 8-10 लोगों को मैं इकट्ठा करके उसका अस्पताल लेगा। अब चाचा अस्पताल में फीस का पर्चा देखा तो 800 रुपये पर मेरा तो साला चाचा मैं सीधा उसके केबिन में लेगा। मैं भैया दवा दे ना मैं उसने चाचा मेरा मान भी रखा दवाई दे दी सवा को मैं उन्हें उल्टा लिया गांव में आके मैंने चाचा क्या करा मैं 800 था ना भैया लेकिन 400-400 रुपये की उघाई मार दी उन्होंने 400-400 रुपये इकट्ठा कर लिए मैंने। अब ये बात चाचा पता लग जाती है रुखसाना की फुप्पो को उसका मुझे आया फोन कहने लगी तू चोर है बेईमान। बस चाचा इतना सुनते ही मैंने फोन काट दिया बहुत गुस्सा आया मुझे तब से ही बिगाड़ खाता बन गया। अब एक बात बतलाओ चाचा इस खालिद ने आज तक अपने अब्बू की तो सुनी ना रुखसाना की फुप्पो की सुन लेता क्या 3600 रुपये की बात ही जिना के लिए खालिद को सुना रही है। बस चाचा तब से ही बोल चल ना धरे रख बगा अपनी धर्मशाला को रखे रख तू ना यू तो तेने बढ़िया करो बल्कि 3600 रुपया ना के मुंह पे दे के मार तो। अरे चाचा चार ही वो तो मैं लौटा दू वो तो मैं ही शर्म बन का मक दूंगा तुझे एक पाई ना दू 3600 तो बहुत दूर की बात है चाचा। बल्कि चाचा महल्ले में बात फैल गई जिन्हों में लेगा वो सही हो गए और भी कहने लगे मैं हमें दिखवा दे अपने साले के अस्पताल में। मैंने चाचा बुराई करी साले की बगा बढ़िया डॉक्टर ना जाली कागजात है अच्छा अस्पताल ना मैंने ना जान दिए एक भी फिर ले मुझसे कितने पंगे लेगी मैं इसकी बदनामी करूंगा जितना मुझसे चिढ़ेगी उतना मैं भी चिढ़ूंगा। अब्बू बुला रहे हैं वो तुम्हें तेरा खालू आगा होएगा घर पे। हाँ दे मैं तो जब ये मनहूस चला जाए ना घर से तबाह का बतलाइयो मुझे तब आऊंगा मैं घर पे। जब तक तू इसके लिए सूखी चाय बनवा बिना दूध की। अपनी अम्मी तो जाके न्यू कह दीजो अम्मी अब्बू मुझे मिले नहीं थे पता नहीं कहाँ गए। चाचा ऐसे क्या मैं डर रहा हूँ मैं खुल के कह दियो मिल गए पर आना रे अब्बू। अब्बू भाई ठहरी जाएंगे जल्दी आए। कौन चली जाएगी? खाला। मैं तेरी खाला भी है ये? हाँ अब्बू थाला ही तो बुला रही तुम्हें। बता बेकू पहले से ना बता सका तू मुझे। अब्बू तुम बोलने कहाँ दे रहे हो? अब तो एक काम कर घर पहुँच और अपनी अम्मी से कह दिया सूखी चाय ना दे मैं जरा भी आ रहा हूँ मैं मेरा इंतजार करेगी। ठीक अब्बू। भाई अब कैसे करेगा तू? जाना पड़ेगा चाचा क्या करूँ बात साडू की होती तो मैं ना जाता उस मनुष्य को तो मैं ना देखना चाहता लेकिन बात चाचा साली की आ गई है अब तो जाना पड़ेगा वरना बुरा मान जाएगी भाई आए ना। चल रहा हूँ चाचा। सरप्राइज कर दिया मुझे यार। अब कह तो कौन भी हंस गए हैं। है बाजी अब जीजा कहीं जा रहे हैं काम वाम पे या ना? हाँ चल रही है एक दो जगह बात अभी जवाब आया ना जब जवाब आएगा जब जाएंगे। अजी नियति ना काम करने की कितनी दफा बोला मैंने पान का खोखा डाल लो। कैसी बात कर रहे हो तुम जीजा के बस की ना दुकान वकान करनी मुझे तो डोलने से ही फुर्सत ना। ए नजराना मैं तेरे आने से पहले चाय चढ़ाए उसको देख लो कभी कल जावे। ठीक है बाजी। भाई नजराना ये तो तुमने मुझे हैरत में डाल दिया मुझे ना पता इस मनुष्य के संग तुम भी आ रही हो वरना मैं तो घर से ही नहीं निकलता। आदाब जीजा आदाब। अरे आदाब आदाब साली साहिब बैठो ना खड़ी की हो आप भी ना। मेहमान सा दिन बनगा आज का। इसमें क्या लाए हो जीजा? इसमें आपके लियो मैं जैसे ही मुझे पता लगा नजराना आ रही है मैं जो एक तो दुकान पर पहुंचूंगा दाल से लाया हूँ तेरे लियो दाल से पसंद है ना नजराना तुझे और जे
खर्चा बोटा खरा बिस्कुट लाओ फिर नहीं फेंक और दिखलाता हूँ तुझे पता नजराना को क्या सबसे ज्यादा पसंद है टोंगे सहित समोसा ला जवाब एकदम मैं पकड़ खाना तू यार मुझे दो ही लाया हूँ बस मैं जीजा इन सब की क्या जरूरत थी देख ले नजराना करे बाबली बात तो कुन्ना जरूरत तो तुझे इस मनुष्य की भी ना इस मनुष्य के संग भी तो अपना टाइम काट रही है तू ना तुम अभी तक नाराज हो इनसे तुझे क्या लग रहा मैं नाराजगी में इसके लिए ये सब कह रहा हूँ इसका इतना बुरा मुंह है नजराना ईमानसा अगर हमारे गांव में किसी का होता ना पाबंदी लगा देते सिकल पे घर से बाहर निकलता ही ना कब का डिलीट करवा देते हमारे गाँव कैसे तब देख ले इनो को जितनी इज्जत कर रहा हूँ उतनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी मैं जाहिली से बेइज्जती बतला रहा अपनी किस्मत अच्छी मान तुझे बेइज्जती करके ही छोड़ रहा हूँ वरना तुझ जैसों को स्विच ऑफ करके फेंक देता खाली नजराना एक दफा इसकी तरफ नजर तो घुमा पर कितना बुरा मुंह है यार इतने बुरे मुंह के संग कैसा जी रहा तू नजराना तुम्हारे घर का आईना भी इसकी शिकल को देख कर अपनी शिकल बदल लेता होगा ना जीजा तुम इन्हें छोड़ो और सुनाओ और बढ़िया चल रहा नजराना सुबह से दिन कड़वा कड़वा ही कर लाया लेकिन जब से तुम आई हो माहौल में मिठास घुल गई है खाओ समोसा ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए गर्म लाया पहले इन्हें दे दूं अरे पागल हो रही नजराना मैं जाहिल हाथ को फैला रहा इसमें से निकाल जो ले निकाल ले तेरे लिए भी लाया मैं खाओ तुम खाओ लाए जी तुम कुछ कुछ कह रही है कुछ अरे बहुत कुछ लाया हूँ ले पहले तो तुम कुछ और ही बतला रहे पहले तूने मुझे बतलाया साली साहिब आ रही है मैं तो ये समझ रहा है मनुष्य आ रहा बस मेरी बात सुन लिया इधर को ओ शहजादे अगर नजराना का मुझे फोन आएगा कि तूने घर पे झगड़ा करा ईमान से फिर तू मुझे जाने याद होएगा तुझे तेरे घर का पिछला कोठरा वहीं भगा भगा का मारूंगा नजराना घबराना ना तुझे जरा भी अगर ये तुझसे कुछ भी लम निकाल दे मुंह से मुझे फोन कर दिया बस तू मैं तो चक्कर में घूम रहा हूँ इसके में मेरे दरवाजे बैठा हो ना मैं तो इसे भी सुधार देता कैसा बनना समोसा बढ़िया ना बहुत बढ़िया भाई खाओ तेरे लौंडा के रिश्ता वाले आई कही है कैसे रही उनकी आज रिश्ते वाले तो आए हैं पर लौंडा भी मना कर रहा ब्याह को पहले नुकरा नौकरी करूंगा उसके बाद ब्याह करूंगा भाई फिर तो बढ़िया सोच है तेरे लौंडा की यह बात में तो हमारी किस्मत लोटी पड़ी है एक हमारा है को ब्याह के नाम पे तो राजी हो वे कूद जाए एकदम और ड्यूटी को कह दो तो हंस रोवे रोल लगे ड्यूटी नहीं करूंगा पहले ब्याह करवाओ अच्छा तुमने अपना बोटा बिगाड़ रखा उधर धमका कर रखा करो अजय खूब धमका लिया मैंने कभी चट्टा दू कभी चौटे लगा दू वहां में पर मौन नहीं ना हो बेहा एक नंबर का बाबा ले नाम लेता बेहा आगो हाँ पता कहा है ए बाबा रोटी ना बनाई भूख लग रही है बहुत जोर की पत्तों को शर्म नारी तेरे बाबा रोटी बनाया गो ए ताऊ हमारी माजी बुखार हो रहा जब माजी बुखार में पड़ी है तो रोटी कौन बनाया गो मेरा ब्याह तो इन्हें करवाना दिया जो मेरी बहू बना देगी जब मेरा ब्याह नहीं हुआ और माजी बीमार पड़ी है तो बाबा ही तो बनाएंगे बाबा ही बचे बाबा बनाएंगे रोटी देखा 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 छल्ला देखा आगे न हुई बात आजकल के बालक दो कदम आगे चलते हैं चाचा कह रहा चल जाएगा दो लप्पल लगा कर रखा करो इसमें एक दम भी आगे न चले ताऊ तब मेरे बाबा यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो पहले अपने जेंगड़े में लगाओ दो लप्पड़ पहले वहाँ सुधारो हमारा तो सुधरा हुआ चाचा हमारा जेंगड़ा घर से मुस्सू बिगर पूछे एक कदम बाहर नहीं रख सकता कहाँ होगा कैसा सर
बाबा गरी ने मैंने सच्चाई बता दी ना, इनको जंगड़ो घर में सु लिकट के कहो कहो झोंकता डोले तो इनके कोनन में खून लिकट जाएंगे सुन के। खून के लिए जानते तू बगर सच्चाई बता। अरे रहन दो ताऊ, खोमो का तार कोनन में खून आ जाएंगे सच्चाई सुन के। रहन कहां दे दे, खून निकलेंगे तो अपने कोनन में रुई लगा लेगा, तू बता। बताऊं तो ताऊ बताऊं? बता बता। बाबा इनका जेंगड़ो जो ना एक लौंडिया के पीछे पड़ रहो, कदी तो वाके स्कूल पे चक्कर काटेगो, और आज तो बाबा हद कर दी जेंगड़े ने, मो अपनी गैल ले गो वाके घर, और वाके घर में झोंक रहो। एक बार मेरा यहाँ तो बिहाव जान दे, यहाँ के बाप पे बहुत पैसा, यहाँ के बाप पे तुम्हें जहर देकर मार दूंगा। अंकल जी पांच छह छुआ बच रहे तो भाग जाओ, भाग लो दी। बाबा मेरी क्या गलती है बताओ? दादा उरे को आजा। यारी दोस्ती में चले कर रहे हैं ऐसे बाबा, तमी तो क्या करो। हाँ हाँ चले। कहा जर रोती वह बिगड़े लकी गल तो जाने की भाई। ए बाबा वानमो समोसे खवाए। समोसे खवाए थे? ए भाई एक बात बता, वो तो समोसे खवाए के अरे आप मारने को कह लगो, तू तो फिर यहाँ भी मार दीजो। अरे झूठ बोल रहा है, हमारा जंगड़ा ऐसा ना। ताऊ थारा जंगड़ा ऐसा ना हो तो एक काम करो, पांच सात मिनट यहीं बैठे रहो, अभी आ लेगा वाकी मरम्मत होली होएगी, पिट छत का सीधा मेरे धोरे ही आ, अभी आने वाला होएगा, अपनी औखन सु देख लीजो। है भाई छल्ला, फिर तू डोडे परे ना बैठ जावे दुबक्के, वो आएगा और यू अपना आप सच्चाई लिकड़वा लेगा वापस, हम सुन लेंगे। अमन आगो आगो आगो, परे चल ले तू पकेंगे, चल परे को जल्दी, तू पक जाओ बाबा, तुम जल्दी सु, मैं लिकड़वा लूंगा अब सारी सच्चाई। हाँ जेंगड़े यूरे में आजा। यार अमन तुम वो पिटने को छोड़ आया, अच्छी बात है तेरी। तो सो कितनी देर सो कह रहा है मैं उतरिया उतरिया जाएंगे, उतरो तू। यार मेरा बात देखने को जी कर रहा है, मेरा काम मैं उतरा ही ना फिर। जब भैया उल्टे काम करोगे तो छित हो गई। यार कल को आगे स्कूल में चलेगा, मैं तो जलेबी खवाऊंगा। मेरे धोरे टाइम ना भैया फालतू घूमने को, तू या लौंडिया के चक्कर में दिख रहा ढंग का, दिन मो भी छितवा आएगा। बेटा तो एक बात बताए दू जाएंगे, जा दिन तेरे पापा पता लग गए तू इन कौन न कर रहा, तेरा बाप तो भगा भगा का मारा को। ए यार मेरा बाप तो आधा पागल है, वहां तो मैं नुई चला दूंगा। बीच में क्या भगड़ मत देखा ताई भी गेलो, ताओ बीच में गेलो इनके को खींच के लाओ रे, खींच ओ पापा रे, खींच के लाओ। की हो रे ध्यान ले ताओ, यहां ले बाबा पांव पकड़ लीजिए बाबा, बता ताओ की कर दिया मैंने, कर दिया ताओ और की बेइज्जती करवा रखे। ओ बाबा ओ बहुत बढ़िया पापा ना हो, चल रुक बे रुक, तू तो हल्का पड़ रहा है यार, जब ही तो बिगड़ गई औलाद, हम बताएंगे कैसे अपने पोते पीटू मैं, रुक जा। ओ बाबा कैसे करोगे बाबा, जो भी पकड़ रहे हैं पकड़ लिया बाबा, बाबा ना ऐसा कर लिया कहानी ऐसे। ओ बाबा ना क्यों है ऐसी मार है मेरे बाबा, ऐसी मार है ये ये मार मार मार। ओ बाबा ना पापा अपना तो गलत करा, मैं चाहता हूँ वो गलत समझ रहे हो, देख लो तुम मार मार मार, बात कम कर मार ज्यादा। फिर पीछे सो दौड़ कर एक फिर पापा ना क्यों जी। भैया कैसी लगी वीडियो? वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। अरे अपने यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार संबंध में वीडियो भेजे, चुप रहे चुप, कौन की बात करन देता।
संबंध में भेजे करो वीडियो ने, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करवाए करो, ठीक है ना। और छल्ला थोड़ा कम, भतेरा पीट लियो कैसा मारेगा ये बालक है, अरे ऐब कम करे करो, ठीक है ना। हाँ मैं भी बोलूँ बाबा थोड़ा सा। हाँ हाँ बोल तू भी। सब पाम छुई छुआ जी मेरी ओर से, हमारा जी कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं, हम आपकी सबकी कमेंट पढ़ते हैं। और ऐसा ना सोचें कि आप भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हो मतलब कमेंट में कि भाई ये चीज़ बदलो वो चीज़ बदलो, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हमें वो बुरा लगता है, नहीं, आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं, तो हम अपनी उन गलतियों में सुधार करते हैं। देखिए आप हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि आप हमें ऑब्जर्व कर सकते हो, आप हमें देखते हो, तो आप हमें हमारी खामियां ज़रूर बताया करो ताकि हम उन्हें सुधार कर सकें। बाकी आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। बाकी आपको दिल से धन्यवाद है, आप हमें इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और संस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, मैं वहाँ अलग अलग वीडियो डालता रहता हूँ, इन्हें भी फॉलो करें संस्टाग्राम पर। बाकी जी राम राम जी, राम राम जी, हाथ जोड़ी जोड़ा जी, पावन व लोटी लोटा जी।